गोरखपुर महोत्सव में नागरिकों की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस विभाग द्वारा मल्टी लेवल सिक्योरिटी का अरेंजमेंट किया गया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विष्णु ने बताया कि गोरखपुर महोत्सव गोरखपुर के कैलेंडर में एक बड़ा इवेंट है। वहां पर 50 से 60 हजार लोगों के आने की संभावना व्यक्त की जा रही है, जिसको देखते हुए एक मल्टी लेवल सिक्योरिटी का अरेंजमेंट किया गया है, जिसमें 2 एडिशनल एसपी, 5 सीओ, 24 इंस्पेक्टर, 70 दरोगा, 200 सिपाही, 1 कंपनी पीएसी को लगाया जाएगा, जिससे कि गोरखपुर महोत्सव में आने वाले नागरिकों को किसी तरह की समस्या ना हो। उन्होंने बताया कि पैडलीगंज से कोई भी व्यक्ति एक लाइन में गोरखपुर महोत्सव स्थल पर आसानी से जा पाएगा और अमर उजाला चौराहे की तरफ से बाहर निकल जाएगा। महोत्सव में आने वाले नागरिकों के वाहनों की पार्किंग के लिए 5 जगहों पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है। सभी नागरिक अपने वाहन को पार्किंग स्थल में ही खड़ा करेंगे, जिससे कि उनको किसी तरह की कोई समस्या ना होने पाए। पुलिस व प्रशासन नागरिकों की सेवा में हमेशा तत्पर है। उन्होंने कहा कि सभी नागरिक प्रयास करें कि छोटे वाहनों का प्रयोग करें, क्योंकि गोरखपुर महोत्सव स्थल पर काफी भीड़ भाड़ हो रहती है और बड़े वाहनों को आने जाने में थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। छोटे वाहन होने से नागरिक महोत्सव स्थल तक आसानी से पहुँच सकेंगे। महोत्सव स्थल पर ठंड को देखते हुए अलाव की भी व्यवस्था की गई है, जिससे कि किसी नागरिक को ठंड से किसी तरह की समस्या न हो। इसके अलावा पूरे महोत्सव ड्रोन कैमरे से निगरानी की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विष्णोई ने कहा। गोरखपुर महोत्सव जो कि एक सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट है गोरखपुर के कैलेंडर में, उसमें कम से कम 50 से 60 हज़ार के करीबन लोगों के आने की संभावना है प्रतिदिन। उसी को मद्देनज़र रखते हुए एक मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी अरेंजमेंट किया गया है, जिसमें कई एडिशनल एसपी, करीबन 5 सीओ और 2 दर्जन इंस्पेक्टर और उससे भी ज़्यादा के करीबन 70 के करीबन सब इंस्पेक्टर, 200 के करीबन कांस्टेबल और 1 कंपनी पीएसी, इस तरह की फोर्स लगा के ताकि लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, आवागमन में कोई परेशानी नहीं हो। इसी को ध्यान रखते हुए पैडलीगंज से जाने वाले लोग एक लेन में जा पाएंगे और एग्जिट सबका अमर उजाला चौराहे की तरफ से होगा। 5 पार्किंग आइडेंटिफाई की गई है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी के माध्यम से यह संदेश आमजन तक पहुंचेगा और सभी लोग इन्हीं निर्देशों का अनुपालन करते हुए वहां तक पहुंचेंगे और पुलिस और प्रशासन आप सभी लोगों की सेवा में हमेशा सदैव की तरह तत्पर रहेगा। दर्शकों को मेरा यही संदेश देना चाहूँगा कि प्रयास करें ज़्यादा से ज़्यादा कि आप छोटे से छोटे वाहन, टू व्हीलर या इस तरीके के वाहन पर आएँ, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा पास महोत्सव के पास में तक पहुँच सकेंगे। और उसके साथ साथ काफ़ी ठंड है, ठंड के भी पूर्ण इंतजाम करते हुए आप जरूर आएँ। गोरखपुर महोत्सव आयोजन समिति द्वारा जरूर अलाव वगैरह सबकी व्यवस्था की गई है, लेकिन इस कड़ाके की ठंड में मैं सभी लोगों से ये जरूर उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जरूर अपील करूंगा कि इन सभी बातों का जरूर ध्यान रखें। थैंक यू। बिल्कुल, हर बड़े कार्यक्रम में, चाहे वो खिचड़ी मेले का आयोजन हो, चाहे वो ड्रोन गोरखपुर महोत्सव हो, इन सभी के अंदर इसकी जो है व्यवस्था की गई है। थैंक यू।